आगम कथाओं के अंतर्गत आज की कथा है प्रमाद यानी केयरलेसनेस, लापरवाही से संबंधित। प्रमाद किसे कहते हैं? प्रमाद क्या होता है? दुश्चिंतित, दुर्भाषित और दुष्कार्य, ये सब प्रमाद है। जो बुरी चिंतन करता है और जो बुरे कार्य करता है, ये है प्रमाद। आइए आज की कथा इस संबंध में भारंड पक्षी से संबंधित। भारंड एक पक्षी है और वह बहुत अप्रमत्त पक्षी है। अप्रमत्त यानी वेरी केयरफुल एंड अटेंटिव बर्ड। इसके अनुसार दो जीव संयुक्त होते हैं, इन दोनों के तीन पैर होते हैं, बीच का पैर दोनों के लिए सामान्य होता है और एक एक पैर व्यक्तिगत होते हैं। वे एक दूसरे के प्रति बड़ी सावधानी बरतते हैं, सतत जागरूक रहते हैं, इसलिए इसे अप्रमत्त यानी कि मोस्ट अटेंटिव और विजिलेंट बर्ड कहा जाता है। एक तालाब के तट पर भारंड पक्षी का एक युगल यानी जोड़ा रहता था। एक दिन दोनों पति पत्नी भोजन की खोज में समुद्र के किनारे किनारे घूम रहे थे। उन्होंने देखा समुद्र की तरंगों के वेव से प्रवाहित होकर अमृत फलों का एक समूह तट पर विस्तीर्ण पड़ा है। उनमें से बहुत सारे फलों को नर भारंड पक्षी खा गया और उनके स्वाद से तृप्त हो गया। इसके मुख से फलों के स्वाद को सुनकर दूसरे मुख ने कहा, अरे भाई, यदि इन फलों में इतना स्वाद है तो मुझे भी चखाओ, जिससे कि यह दूसरी जीव भी उस स्वाद के सुख का तनिक अनुभव कर सके। यह सुनकर भारंड पक्षी ने कहा, हम दोनों का पेट एक है, इसलिए एक मुख से खाने पर भी दूसरे को तृप्ति हो जाती है, इसलिए और खाने से क्या लाभ। परंतु फलों का जो अवशिष्ट भाग है वह मादा भारंड पक्षी को दे देना चाहिए, ताकि वह भी उसका स्वाद ले सके। अवशिष्ट फल स्त्री को दे दिए गए, परंतु दूसरे मुंह को यह उचित नहीं लगा। वह सदा उदासीन रहने लगा और येन प्रकारेण उसका बदला लेना चाहा। एक दिन संयोगवश दूसरे मुख को एक विष फल मिल गया। उसने अमृत फल खाने वाले मुंह से कहा, अरे अधर्म और निरपेक्ष, मुझे आज विष फल मिला है, अब मैं अपने अपमान का बदला लेने के लिए इसे खा रहा हूँ। यह सुनकर पहला मुंह बोला, अरे मूर्ख, ऐसा मत कर, ऐसा करने से हम दोनों मर जाएंगे। परंतु वह नहीं माना और अपमान का बदला लेने के लिए विष फल खा गया और उस विष के प्रभाव से दोनों मर गए। इस प्रकार विवेक के अभाव में जब मनुष्य कुछ कार्य करता है, अपमान की अग्नि में जलकर अपना विवेक खो बैठता है, तब वह न सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, खुद को भी सर्वप्रथम नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहला नुकसान उसे खुद होता है। यह बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए।